जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे? हाँ जी बेटा जी, इससे पहले हमने कुछ अपने एल्गोरिथम्स देखे थे, किस चीज़ से रेलेवेंट टर्मिनेशंस के एल्गोरिथम देखे थे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने सारे लेक्चर्स प्रीवियस सुन लें, कंसेप्ट ले लें, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि रट्टा मारें, आप उसके कॉन्सेप्ट लें, समझें। जहाँ से आप लोगों को टॉपिक इजी लगे वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास आप लोगों के कंटेंट्स हैं। ओके जी, प्रोग्रामिंग की एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसकी हैंड्स ऑन एग्जांपल देख लेते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस हाउ वेरियस लोड बैलेंसिंग, क्योंकि हम लोड बैलेंसिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। लोड बैलेंसिंग क्या होती है, ठीक है। लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटजीज कैन बी अप्लाइड टू आर रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम। There are several application areas including the obvious search and optimization areas, ठीक है जी। तो इसमें हमें पता है कि जब हम एक several application को select करते हैं तो हमें पता है कि हमने एक specific optimization area जो है वो ले लिया, ठीक है। जब जैसे कि आप fragmentation और defragmentation करते हैं, other areas include image processing, ट्रेसिंग एंड वॉल्यूम रेंडरिंग। इनफैक्ट एनी प्रॉब्लम डैट कैन बी डिवाइड एंड कॉन्कर्ड टेक्निक हमने ऑलरेडी देख ली हुई है क्या होता है, ठीक है। पहले वो डिवाइड करता है, फिर उसको रिजोल्व करता है वन बाई वन स्टेप को, फिर उसके बाद अगेन उसको जोड़ के सारे डाटा को एक साथ सेंड कर देता है। इट इज़ अ कैंडिडेट फॉर अ वर्क पूल अप्रोच। सो यहाँ पर जो भी है प्रॉब्लम वर्क पूल फॉर्म में जो है उसको लेते हैं हम। For the most part, problem that can take greatest advantage of dynamic load balancing are those in which the number of tasks is variable and unknown. ठीक है, dynamic load balancing का ये advantage है। Of course, dynamic load balancing is also very advantageous. ठीक है जी, अब इसके अंदर इसका बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है, टू द heterogeneous network of the computer. ठीक है जी, हेट्रोजीनियस है ये, ओके। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में हमें क्या डिफरेंस मिलता है? होमोजीनियस होती है यकसां, एक साथ, ठीक है जी। हमें पता है कि हम एक जैसे जो होते हैं होमोजीनियस होते हैं, और हेट्रोजीनियस होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ होते हैं। तो इसके बारे में मुझे मतलब इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। वी विल इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, ठीक है जी। जैसे कि अब प्रोसेसेस की बात करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ जो प्रॉब्लम हो रही होती है, दिस इज़ अ वेरी वेल नोन प्रॉब्लम अपीयरिंग इन सम फॉर्म इन मोस्ट सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग क्लासेस। आपकी जो सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग क्लासेस है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत अकर होती है, बिकॉज सीक्वेंस के फॉर्म में जा रही होती है तो शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम अकर हो रही होती है। इट कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। Given a set of interconnected node where the link between the node are marked with weights. अच्छा जी, OSPF तो था ना, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है ये वही चीज़ कि लिंक करता है डिफरेंट नोड्स को आपस में। फाइंड द पाथ फ्रॉम वन स्पेसिफिक नोड टू अनदर स्पेसिफिक नोड, ठीक है। इसने पाथ फाइंड आउट करना है, इसने देखना है कि कौन सी नोड से किस नोड की तरफ अब आपका प्रोसेस जो है वो मूव होना है। दैट हैज़ द स्मॉलेस्ट एक्यूमुलेटेड वेट, हाँ जी, कॉस्ट होती है जब हम एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जा रहे होते हैं। लाइक आप अपने घर की तरफ मूव होना है आपने, ठीक है, डिफरेंट पाथ हैं, ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है। लाइक सपोज ये देखें, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है इस साइड पे, तो आपने इधर से गुजर के जाना है। तो एक तो सीधा वे है, ठीक है, इसको मैं लेट्स सपोज कह लो कि जो है वो वन दे देती हूँ कोस्ट, इसको टू दे टू थ्री, मतलब मैं इसको कोस्ट दे रही हूँ, मैं इसको डिस्टेंस दे रही हूँ। तो आपके पास थ्री वेज हैं आपके घर के घर तक जाने के लिए। एक तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है, एक या आप कर्व की फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है। तो देखें, ये वन है तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, टू और थ्री
अब ये 5 हो गया तो ये ज़्यादा हो गया, ये 5 और 4 इसको जमा कर तो ये 9 हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने, या फिर उसका जो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है कि स्केजुलिंग का क्या एल्गोरिथम यूज़ हुआ है आपकी कंप्यूटिंग के अंदर, लेकिन स्मॉलेस्ट को चूज करेगा ये। द इंटरकनेक्टेड नोड कैन बी डिस्क्राइब बाय अ ग्राफ, जो अभी आपकी इंटरनेट आपकी नोड्स हैं वो डिस्क्राइब हो रही हैं किससे, आपके ग्राफ के जरिए। इन ग्राफ टर्मिनोलॉजी द नोड्स आर कॉल्ड वर्टिसिस्ट्स। जी मतलब एजिस होते हैं और वर्टिसिस होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एज होती हैं और वर्टिसिस होते हैं। जो भी आपकी नोड्स होती हैं ना कनेक्टेड होती हैं वो आपके वर्टिसिस होते हैं, और जो लिंक होते हैं उनको हम एजिस कहते हैं। लाइक ये है, ये आपका वर्टिक्स है जो ये कनेक्टेड हो रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ग्राफ जो भी ग्राफ बना है, एजिस जो होंगे वो आपके लिंक्स हैं उसको एजिस कहते हैं, जो भी वर्टिसेस हैं वो आपके डेस्टिनेशन या स्टार्टिंग पॉइंट है। इफ़ द एजिस हैव इम्प्लाइड डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन इम्प्लाई करते हैं, जैसे एरो साइन सिंबल होते हैं, दिस इज़ इफ़ एन एज कैन ओनली बी ट्रेवर्स इन वन डायरेक्शन। देखिए भाई, अगर मैं एरो मैंशन कर रही हूँ, ठीक है, एरो मैंशन कर दिया तो हमें पता चल गया कि ये अपवर्ड ही जाएगा। अगर मैं डाउनलोड इसका मैंशन किया था तो ये पता चला है डाउनवर्ड ही जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अगर कोई भी नहीं है, सिंपल लाइन है तो डजेंट मीन दोनों वे की तरफ डायरेक्शन है उसकी। अगर सिंगल डायरेक्शन है तो आप कर्व दे रहे हो, इसको एरो दे रहे हो, तो ट्रेवर्स्ड होता है ये, ठीक है जी। दी ग्राफ इज़ डायरेक्टेड ग्राफ, तो इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, डायरेक्टली वो जा रहा है, अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड जाना है। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ सर्चिंग फॉर द बेस्ट पाथ थ्रू द ग्राफ। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई ना, मैंने अभी अब मैंने कहा 3 वेज थे, लेकिन मैंने कहा कि भाई इसी वे से गुजरना है, तो वो तो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम अकर होगी कि मैंने उसको डायरेक्शन दे दी है। The graph itself could be used to find the solution to many different problems. For example, shortest distance between two towns or other points on a map. Example है ये, where the weight represent the distance. तो आप कोई भी map की example ले लें, आप खुद एक path बना लें। The quickest route to travel, जो भी रास्ता है ज़्यादा जल्दी पहुंचने का। वेयर दी वेट्स रिप्रेजेंट टाइम, द क्विकेस्ट राउट मी नॉट बी द शॉर्टेस्ट राउट। इफ़ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रेवल आर अवेलेबल, फॉर एग्जांपल फ्लाइंग और टू सर्टन टाउन्स, द लीस्ट एक्सपेंसिव वे टू ट्रेवल बाय एयर। हमें पता है कि हम क्विकेस्ट राउट है वो वे डिसाइड करना है ना, आपने किसी जगह पे आपने फैसला हासिल हो जाना है, अब आपकी मर्जी है, देख लेते हैं कैसे जाना है। वेयर द वेट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट बिटवीन सिटीज। अब आप इसके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप जल्दी तो पहुंच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम तो लग रही है, लेकिन आपके एक्सपेंसिस तो बढ़ गए ना। द बेस्ट वे टू क्लाइंब आ माउंटेन गिवन अ सर्टन मैप विद कॉन्टोर्स। उसके बाद आती है जी 4, मतलब डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट रास्ते बता रहे हैं आपको चूज़ करने के। द बेस्ट रूट थ्रू एट अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर मिनिमम मैसेजेस डिले। वर्टिस रिप्रेजेंट कंप्यूटर, जो भी वर्टिसेस हैं मैंने अभी आपको बताया, डिफरेंट कंप्यूटर्स ले लें, डिफरेंट सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंट है ये। एंड द वेट रिप्रेजेंट द डिले बिटवीन टू कंप्यूटर, जो वेट है वो यहाँ पे क्या है, डिले है, ठीक है, डिस्पैच टाइम है। दी मोस्ट एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वेयर द वेट रिप्रेजेंट आवर्स ऑफ वर्क। अब अगर हम एग्जांपल एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुँचने की ले रहे हैं, तो यहाँ पे आवर्स काउंट होते हैं, मतलब घंटे, कितने घंटे लगे हमें अपने काम को कम्प्लीट करने में या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में। द बेस्ट वे टू क्लाइंब अ माउंटेन, तो इसमें से सबसे जो अच्छा है वो है क्लाइंब अ माउंटेन। विल बी यूज एज एन एग्जाम्पल, जो कि नीचे डायग्राम के हैं, आप देख रहे हैं ये कैसे सबसे बेस्ट है। वेयर द वेट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एफर्ट डैट वुड बी एक्सपेंडेड इन ट्रेवर्सिंग द रूट बिटवीन टू कनेक्टेड कैंप साइट। नॉट इन दिस एग्जाम्पल दैट अ ग्राफ इज डायरेक्टेड ग्राफ एंड द वेट आर एसोसिएटेड विद ट्रेवर्सिंग द पाथ इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन।
सो थियोरेटिकली वी शुड मेक पाथ बिटवीन ऑल कैंप्स इन बोथ डायरेक्शन. सो हम यहाँ पे थियोरेटिकली दोनों में पाथ जो है वो रिलेट कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं ग्राफ को. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो मेंशन कर रहे हैं. सो यहाँ पे जितनी भी डायरेक्शन होगी वो हर किसी की क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो द एफर्ट इज़ वन डायरेक्शन. सो यहाँ पे हमें क्या काम करना पड़ा, डायरेक्शन सेट करनी पड़ी एक जगह से दूसरी जगह. सो ये दोनों क्या होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी, डाउन हिल्स इंस्टेड ऑफ अप हिल. आप लोगों ने माउंटेन देखे ही है ना, डाउन हिल्स होते हैं और अप हिल्स होते हैं. इन सम प्रॉब्लम वेट वुड बी द सेम इन बोथ डायरेक्शन. सो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं कि समटाइम्स हमें इनकी डायरेक्शन को सेम सेट करना है. फॉर एग्जाम्पल इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट राउट टू ड्राइव. तो अब डिफरेंट माउंटेन है, डेस्टिनेशन सेम है, तो आप कौन सा वाला चूज़ करना पसंद करेंगे ज़्यादा, माउंटेन बड़ा वाला या छोटा वाला, छोटे वाला चूज़ करेंगे. दी डिस्टेंस इज़ द सेम इन बोथ डायरेक्शन. डिस्टेंस हम दोनों में सेम है तो हम उसको चूज़ करेंगे जो शॉर्टेस्ट होगा. दी वेट वुड बी द सेम एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ. अब देखिए जी, ये आपका इंटरमीडिएट कैंप्स हैं क्लाइंबिंग अ माउंटेन. जैसे कि ये बेस कैंप है, ये आपका बेस है, ये आपका डेस्टिनेशन है. तो अब आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपने कौन सा जो है वो माउंटेन यूज़ करना है, कैसे किस फॉर्म में जो है वो आप बेस्ट राउट चूज़ करना है, कहाँ कहाँ से कैंप से होते हुए जा रहे हैं. पॉसिबल कैंप्स देख लेने हैं, ए के बाद बी है, बी के बाद अगर एफ डायरेक्ट आ रहा है तो हम उसके पास जाएंगे ना, हमें क्या ज़रूरत है ई के पास जाएं. अगर हाँ उसे शॉर्टेस्ट जहाँ पे मिलेगा वो शॉर्टेस्ट को चूज़ कर लेगा. ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर. आप लोग अपनी क्यूरीज लिख लिया करें, जो मतलब के आप लोगों के लेक्चर्स होंगे, ये तो अपलोड कर दूंगी ना मैं लेक्चर्स. तो आप लोगों के जो 3 डेज में लेक्चर्स हैं उस वक्त आप क्यूरीज पूछ लिया करें, बट प्लीज़ इसको लाजमी सुना करें, देखा करें, समझा करें. बाकी आपकी मर्ज़ी है, बाउंड नहीं है कि भाई इधर से ही करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें. ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़.